हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज एक एक्जूम चार्जर है मेरे पास, ये 15 एम्पियर का रिपेयरिंग के लिए। इसमें कस्टमर ने बताया था कि फ़ैन चल रहा है और बंद हो जा रहा है, लेकिन चलिए वो तो एक प्रॉब्लम को देखा तो हमने सोचा हो सकता है इसका फ़ैन ख़राब हो, पर फैन ख़राब नहीं था इसका। देखिए यहाँ से देखा तो इसका कैपेसिटर ख़राब था इसका। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कैपेसिटर पूरी तरह से जल चुका है, देख रहा है आप लोगों को। और देखिए इधर से पूरा काला पड़ गया है, देखिए इधर से काला पड़ गया है तो। और इसका कैपेसिटर देखिए, ये इसका भी पूरा बुरा हाल है। ये कैपेसिटर तो बिल्कुल बेकार हो ही गया है, पर इसमें क्या है कि इसमें कैपेसिटर, अगर मैं बता दूं कैपेसिटर आप लोग, मैं तो इसमें इस टाइम अगर आपको एक्सुम चार्जर का कैपेसिटर चाहिए, मैं ये लगा रहा हूँ 1500 mFD 250 वोल्ट का, ठीक है। और इसमें 1500 mFD 1000 mFD लगा है, 1000 UF में 250 वोल्ट में लगा हुआ है। तो इसमें कैपेसिटर जो लगा था, देखिए 250 mFD 1000 mFD 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है। तो ये कैपेसिटर इसमें, अब मैं इसमें कैपेसिटर जो लगा रहा हूँ वो 1500 UF 250 वोल्ट में लगा रहा हूँ। और ये आपको कैपेसिटर चाहिए तो मिल जाएगा मेरे पास से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओरिजिनल कैपेसिटर है। और मैं इसका वो दिखा रहा हूँ, जो रीडिंग दिखा रहा हूँ ये कितने mFD है, ये ओरिजिनल कैपेसिटर है या लोकल कैपेसिटर है, पकड़िए तापस जी। और ये कैमरे के पास से हाथ हटाइए, पुराना चाहिए, ठीक है। अब कई आदमी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी वॉच कहाँ है, तो काम करते समय वॉच मैं नहीं पहनता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कमेंट आ जाते हैं कि सर आपके चेयर के ऊपर टावल तक नहीं है, ये भी लोग लिख देते हैं। मीटर देखिए आ रहा है, हाँ दोनों आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सनशाइन का 70N यूज कर रहा हूँ इस टाइम, सिलेक्शन में मैं ले जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे नैनो फेरेट का ऑप्शन आ रहा है। ये कैपेसिटर चेक करने का है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल कैपेसिटर है या लोकल है, सिर्फ ये दिखाने का मेरा मतलब था इसमें, ठीक है। क्या है जी, तो ये मीटर और कैपेसिटर दोनों आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसका कैपेसिटी चेक करेंगे कि 1500 UF है या नहीं है, लोकल तो नहीं है, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पन्नी चढ़ा दिया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कुछ देर इसको लगाएंगे, ये सिलेक्ट कर रहा है MFD, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, चेक कर रही है, देखिए कितना आ रहा है, 1370 आ रहा है, 1370 आ रहा है। और ओरिजिनल कितना चाहिए होता है हम लोगों को, 1200 mFD लगता है, तो कितना है ये, 1370 है। अब इसको पलट के दिखाता हूँ मैं, देखिए सेलेक्ट कर रहा है, देखिए 1370 है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ओरिजिनल है या लोकल है, क्या होगा इसमें, कैपेसिटर बिल्कुल अपना सही वैल्यू दिखा रहा है, 1500 mFD है तो 1400 का सर समथिंग दिखा रहा है, तो बिल्कुल ओके है। अब एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं, चेक कर लें, ये दिखा रहा है, देखिए कितना दिखा रहा है, ये 1038 mFD दिखा रहा है कैपेसिटर, ये भी ठीक है, पर ये खराब क्यों हुआ है, जला क्यों है, देखिए ये पीने क्या है, देखिए यहाँ से पूरा हिल रहा है। देखिए मैं आपको चिमटी की मदद से दिखा देता हूँ, ट्वीजर से पकड़ के, देखिए दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है, देखिए पूरा खराब है, स्पार्किंग हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे पीसीबी दिखाइए, अब पीसीबी देखिए यहाँ से पूरा जल गया है। तो आप लोगों को पता है कि पीसीबी जब जलता है तो कोयला हो जाता है, क्या हो जाता है, कार्बन हो जाता है। तो कार्बन में क्या होता है कि करंट कंडक्ट करता है, क्या करता है, करंट कंडक्ट करता है, मतलब इधर उधर उधर पास हो सकता है। तो अब जो कैपेसिटर है हमारा, कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, कैपेसिटर में हाई वोल्टेज, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाई वोल्टेज एरिया, देखिए हाई वोल्टेज एरिया डू नॉट टच लिखा है ना, लिखा है साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन में मैं इसमें कैपेसिटर लगाऊंगा ना, तो कैपेसिटर दोबारा खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जब ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों में कार्बन की शॉर्टिंग होगी तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसको लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और ये वीडियो भी बनाने का वही मतलब है। देखिए मेरे पास एक ड्रिल मशीन है ना, ड्रिल है, तो जिसकी नीयत खराब है उसी के दिमाग में सुराख मार देना चाहिए, ताकि उसका नीयत ही सही हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सुराख मार रहा हूँ इसके बीच में, पीसीबी के दोनों बीच में, प्रिंट के बीच में, देखिए दिख रहा है ना जी,
ठीक है। अब इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया जी, जो भी इसका जो शॉर्टिंग का पॉइंटिंग का एरिया था मैंने इसको सुराख मार के बड़ा कर दिया और बीच का पॉइंट गायब कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों किए हैं, देखिए यहाँ पे इस पूरी पीसीबी को देखिएगा, पूरी पीसीबी कैसी है, ग्रीन है ना जी, ये ग्रीन है। और देखिए बीच में मॉस्फेट के बीचों में ये व्हाइट किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि स्पार्किंग ना हो, आर्किंग ना हो, आर्किंग होगा तो हमारा दोबारा से मॉस्फेट शॉर्ट हो जाएगा या और कोई दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने इस कैपेसिटर की जगह सुराख मारा ताकि हमारा कोई और प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो है कैपेसिटर बिल्कुल सही तरीके से लग जाए। देखिए आप लोग, ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना हो तो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।